नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक फाइनेंशियल कंपनी के बारे में, एक एनबीएफसी के बारे में। देखिए, इंडिया में जितने सारे एनबीएफसी हैं तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि एनबीएफसी क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, एनबीएफसी अगर आप गूगल भी सर्च करेंगे, चलो मैं एक बार आपको सर्च कर भी दिखा देता हूँ। आप लिखेंगे एनबीएफसी, इसका फुल फॉर्म, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होता है वो एक्चुअली देखा जाए तो एक फाइनेंस के ऊपर काम तो करता है, मगर उसका कोई बैंक का साथ डीलिंग्स नहीं होता, मतलब बैंक के जैसे डीलिंग्स नहीं होता। तो आपको लोन चाहिए, देखिए बैंक भी आपको लोन देते हैं, मगर आपको फिर भी देखिए, कोई प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे, कोई भी आप मतलब गाड़ी खरीदने जाएंगे, कोई भी आप मतलब लोन घर के लिए लोन लेना चाहेंगे, कोई भी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे, तो कोई भी ईएमआई करना चाहते हैं, तो इस तरीके से एनबीएफसी कंपनी आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करते हैं। तो मैं आज बात करूंगा इंडिया के सबसे बड़ा पीएसयू बैंक के ही सब्सिडरीज कंपनी है, जिसका नाम है एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई कार्ड के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर एसबीआई कार्ड के ऊपर एक वीडियो बनाकर दीजिए, क्योंकि कंपनी बहुत दिन तक एक ही रेंज में काम कर रहा है, क्या अभी कंपनी कब बड़ा होगा, मतलब कब मुझे प्रॉफिट देगा, कब कंपनी भागेगा। देखिए, कोई नहीं बोल सकता कि कंपनी कब भागेगा, एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कंपनी कभी ना कभी भागेगा, उसके फ्यूचर अभी से आपको दिखेगा, वो उसका फाइनेंशियली और फंडामेंटली से डिटेल्स के ऊपर। अगर देखिए, आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान के चलिए आपने एक पेड़ लगाया, मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप गलत मत समझिएगा और पिक्चर थोड़ा सा खराब भी हो सकते हैं। देखिए, आपने एक पेड़ लगाया और आपने सोचा कि पेड़ जब बड़ा हो गया, मुझे बड़ा होगा तब मुझे बहुत सारे फ्रूट्स देंगे, बहुत सारे फल देंगे। तो पेड़ तो बड़ा तो हो गया, तो बड़ा होने के बाद फ्रूट तो दे रहा है, तो जब आप पेड़ लगा रहे थे, क्या आपको पता था कितने सालों के बाद वो पेड़ आपको फल देगा, और क्या आपको पता था कि वो पेड़ कितने ज्यादा फल आपको देगा, और फल कितने अच्छे मीठा होगा, क्या फल अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके से सोचकर तो कोई पेड़ नहीं लगाता। तो सेम टू सेम आपको स्टॉक मार्केट इसी तरीके से सोचना चाहिए, एक पेड़ के जैसे। अभी आपको देखना है उस पेड़ का स्ट्रेंथ कितना है, वो तेजी से ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब उसका मतलब जड़ मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको देखना चाहिए। अगर पेड़ में ही जड़ मजबूत नहीं है, वो फ्यूचर में क्या बड़ा होंगे और कहाँ से वो आपको फ्रूट दे पाएंगे। सेम टू सेम स्टॉक मार्केट के भी इसी तरीके से आपको सोचना चाहिए। आज अगर आपने सही कंपनी चूज कर लिया, एक छोटा लेवल में अगर वो बड़ा हो गया और आपको एक अच्छा खासा कंपनी बन गया, तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा और आपको अच्छा खासा वहां से कमाई भी होगा। तो मैं उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई कार्ड आप सभी जानते हैं, आपके पास एसबीआई का कार्ड है और वो भी क्रेडिट कार्ड है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करना। देखिए, इसका कार्ड कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं वो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। देखिए, लाइफस्टाइल केयर, इसका लाइफस्टाइल केयर का मतलब क्या है, तो क्या आप स्टाइल मारने के लिए कार्ड यूज करते हैं? हाँ बिल्कुल, इसी तरीके से बात को लाइफस्टाइल कहा जाता है, लाइफस्टाइल स्टाइल मारने के लिए नहीं। लाइफस्टाइल का मतलब है आप कुछ खरीदने के लिए, आपका खुद का लाइफ के लिए आपको जो जो चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए चाहिए, जैसे ग्रोसरी हर मंथ में चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक बिल, नेटवर्क मतलब केबल्स का बिल, मोबाइल का मतलब बैलेंस, इस तरीके से प्रोडक्ट तो आपको हर मंथ पे करना ही करना है, तो उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल। साथ साथ मान के चलिए आपका एक सपना है कि चलो मैं एक अच्छा खासा गाड़ी खरीदने जाऊंगा, तो मैं ईएमआई से गाड़ी खरीदना चाहूंगा, तो आप इस तरीके से एसबीआई कार्ड के माध्यम से ईएमआई भी कर सकते हैं, तो वो हो गया लाइफस्टाइल। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी आपको मतलब उसका बेनिफिट देते हैं क्रेडिट कार्ड से। या फिर देखिए रिवॉर्ड कार्ड्स, मतलब आपको रिवॉर्ड मिलते हैं क्रेडिट कार्ड के हिसाब से। तो आप बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज करे होंगे, तो उसको पता है कि टाइम टू टाइम अगर आप पेमेंट कर देंगे तो आपको क्रेडिट रेटिंग मिलेगा, उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट भी वहां से आपको मिल सकता है। तो शॉपिंग जो बहुत इंपॉर्टेंस है, आप अगर ऑनलाइन बिजनेस में जाएंगे, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाएंगे, तो आप क्रेडिट कार्ड से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 10% 12% तक डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये एक बेनिफिट्स आप कमा सकते हैं इस तरीके से कंपनी के कार्ड के हिसाब से। तो इसमें कंपनी का फायदा क्या होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा, इसका अच्छा भी बताऊंगा, बुरा भी बताऊंगा। तो देखिए, ट्रैवल एंड फ्यूल्स के ऊपर, मतलब आप किसी भी जगह जाना चाहते हैं, आप फ्यूल्स खरीदना चाहते हैं, तो भी इस
तरीके से कार्ड को यूज कर सकते हैं, बैंकिंग पार्टनरशिप कार्ड मतलब बैंकिंग के ऊपर पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, तो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। आप लोन लेना चाहते हैं तो इस बैंक के माध्यम, इस कार्ड के माध्यम से, इस कंपनी के माध्यम से भी लोन ले सकते हैं। बिजनेस कार्ड मतलब ये एक टोटली बिजनेस के पर्पस में भी आप यूज कर सकते हैं। तो अभी इतने इतने सारे चीज तो आपको मैं बता दिया, अभी क्रेडिट कार्ड इसका मेन बिजनेस है। तो मैं जरूर कहूंगा क्रेडिट कार्ड एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी है। क्यों? आप सभी नहीं जानते कि क्रेडिट कार्ड अगर आपको, चलो मानता हूं मैं कंपनी ने टाइम दिया, आपने क्रेडिट रेट मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया आपने टोटली क्रेडिट कार्ड से उठाया है, मतलब आपने कोई प्रोडक्ट खरीदारी किए हैं, कोई भी चीज खरीदारी किए हैं, तो खर्चे कर दिए 1 लाख रुपया, और आपको कंपनी ने बताया कि 45 डेज के अंदर अंदर अगर आप आपने पैसा भर दिया उस क्रेडिट अकाउंट में तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। तो आपने तो भर दिया टाइम टू टाइम, तो उसमें आपको क्रेडिट रेटिंग भी मिलेगा, और अच्छी बात है आपको फिर से ज्यादा लिमिट भी मिल सकता है। तो अगर आपने 45 डेज के अंदर अंदर अगर नहीं आपने पैसा भरा, अगर 45 डेज के 1 मिनट भी लेट हुआ, मतलब आप मतलब जिस टाइम से आप क्रेडिट रेटिंग किया उससे 1 मिनट लेट हुआ, तो आपको 38% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सोचिए इतना बड़ा इंटरेस्ट तो मुझे तो किसी मतलब लोन्स के ऊपर मुझे नहीं दिखता, तो इतना बड़ा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो मेरे दोस्त के भी साथ इस तरीके से कुछ हुआ, वो तो लोन तो ले लिया मतलब प्रोडक्ट तो खरीद लिया और वो भूल गया, और उसको 38% का मतलब इंटरेस्ट देना पड़ा, तो बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा। तो उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड ही मतलब ब्लॉक कर दिया, तो मतलब पेमेंट करने के बाद वो क्रेडिट कार्ड ही बैंक में जाकर ब्लॉक कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है क्रेडिट कार्ड एक अच्छा खासा बिजनेस है, और फ्यूचर बिजनेस मॉडल्स के हिसाब से है, तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो, उसके बारे में बात करूँ तो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, और कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व इंडिया के फर्स्ट और सेकेंड कंपनी है, दोनों की दोनों ही बजाज ग्रुप का ही कंपनी है। तो आप देखेंगे इसका जो डेप्थ है वो अदर देन बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व से कम है। हाँ ऑब्वियसली देखिए बहुत सारे लोग ये कहेंगे सर मतलब बैंकिंग सेक्टर है तो उसको तो लोन होगा ही, तो उस लोन के हिसाब से बात करो तो सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे कम है कंपिटिटर के हिसाब से। और कंपनी के देखिए मार्केट कैप टू सेल्स भी थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा, और कंपनी का पी वी रेशियो भी सेम टू सेम लगा। तो वैल्यूएशन के हिसाब से इसका इंडस्ट्रीज वैल्यूएशन भी देखा जाए सेम टू सेम है। हाँ आप कहेंगे सर बजाज होल्डिंग ये किस तरीके से कंपनी है, इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, कंपनी के जो स्ट्रेंथ है मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आज प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एसबीआई कार्ड के ऊपर दिखा दूं, देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिख रहा है क्योंकि कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट बढ़ा रहा है। आज कंपनी शायद आपको एक ही रेंज में चलने देखने को मिला है, एक दिन कंपनी रॉकेट की तरह भागेगा, बिल्कुल भागेगा, आप लिख के रखिए एक दिन इस तरीके से होगा, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे नहीं कि स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। आपको रिटर्न शायद वो कंपनी आपको अभी कुछ भी नहीं दिया, सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए, सारे के सारे चीज इतना पॉजिटिव है, तो इसलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, अभी से निवेश करके रखे हैं। आप कहेंगे सर डीएस ने तो माल बेचा है, 13% था माल बेचा है। देखिए डीएस एफआईएस जो होता है ना वो कुछ अमाउंट हमेशा बेच देते हैं जब स्टॉक के ऊपर प्रेशर दिखते हैं उसको, तो वो कुछ शेयर वो रिक्सी जोन में ना रखकर वो बेच देते हैं। एफआईएस ने माल बेचा, उसका फायदा किसने उठाया? डीएस ने उठाया। पब्लिक के पास भी 5% होल्डिंग है, देखिए पब्लिक कितना गलती करते हैं, पब्लिक ज्यादा इन्वेस्टमेंट अच्छे कंपनी के ऊपर करके तो रखे थे, आज वो माल बेचकर निकल गए, तो उसको लग रहा है कि इस कंपनी भाग नहीं रहा, 2 साल हो गया मुझे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो मैं निकल जाता हूँ। ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा, आपको इसी कंपनी से प्रॉफिट मिलेगा। मैं एक पेड़ के हिसाब से आपको एग्जाम्पल दिया हूँ, आपको पेड़ को बड़ा होने के लिए टाइम देना पड़ेगा, उसको फ्रूट होने के लिए टाइम देना पड़ेगा, सेम टू सेम स्टॉक मार्केट के ऊपर भी आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट आप नहीं चला रहा है, आप पैसा निवेश कर दिया मतलब आपके मन मर्जी से चलेगा बिल्कुल भी नहीं, आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश किया उस कंपनी का मैनेजमेंट के ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग है, उसका मैनेजमेंट अगर अच्छे खासा काम कर रहा है, तो वो कंपनी आज शायद भागे नहीं, एक दिन आपको मल्टी बगैर रिटर्न दे सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर तो मैं पहले से बहुत पहले से निवेश करके रखा, और अभी भी मैं इसके ऊपर एसआईपी जैसे काम करता हूँ, क्योंकि मुझे इस कंपनी बहुत शानदार लगा, कंपनी का बड़ा होने का चांसेस ज्यादा है, कंपनी के ऊपर स्टेन भी बहुत सारे हैं, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिए। हाँ कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कंपनी एक ही रेंज में काम कर रहा है, और अभी 200 डेज ईएमए के ऊपर काम तो जरूर कर रहा है, तो मुझे एक रेंज दिखा, इस रेंज के अंदर अभी काम करेगा, अगर इस रेंज ब्रेकआउट हुआ तो एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स,
तो आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो मुझे जरूर कमेंट करना, और आपको कुछ क्वेश्चन करना है, आपको कुछ जानना है, आपको कुछ कमेंट है इस कंपनी के बारे में और मेरे वीडियोस के बारे में, तो आप जरूर कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।